हेलो वीवर्स वेलकम टू माय चैनल बिली में यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी और इंस्टा पे मेरी आईडी सिमी नाइन थ्री फाइव सिक्स और आज की रीडिंग है यू वर्सेस देम हमें देखना है थर्ड पार्टी कौन लेके आया आप दोनों के रिश्ते में आप लेके आए या वो लेके आए ठीक है तो ये है आपके कार्ड पहले मैं इसमें से ले लूंगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये टेन कार्ड आपके लिए लिए इन सारे कार्ड में से सुने ठीक है अभी ये हैं आपके कार्ड क्या आप लाए थे थर्ड पार्टी या वो लाए थे अभी ये आपके कार्ड रख दिए मैंने ये डेक अलग है ये कार्ड अलग है दस कार्ड अलग रख दिए. अभी दस कार्ड लेने हैं मुझे आपके पर्सन के एनर्जी के थर्ड पार्टी कौन लाया था जिंदगी में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन दस कार्ड उनके दस कार्ड आपके हमें देखना थर्ड पार्टी कौन लाया था जिंदगी में आप लेके आए थे और ये हैं यूनिवर्स के मैसेज इसमें से भी ले लेती हूँ दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस मैसेज यूनिवर्स के लिए लिए ठीक है और सारे डेक मैंने साइड पे कर दिए क्लैरिफाई हम आपके डेक्स में से ही करेंगे अगर मुझे किसी कार्ड को क्लैरिफाई करना होगा दस मैसेज यूनिवर्स के लिए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये टेन एंजल में लव मैसेज डक से लिया मैंने चलो जी हमें नहीं पता ये मैंने साइड पे कर लिए हैं सारे कार्ड ये आपके हैं ये आपके पर्सन के हैं पहला कार्ड है आपके पर्सन के एनर्जी का किंग ऑफ पेंटिकल थर्ड पार्टी कौन लाया एस सो फैन थर्ड पार्टी कौन लेके आया आप या वो फोर ऑफ पेंटिकल टेम्परेंस थर्ड पार्टी कौन लेके आया सेवन ऑफ पेंटिकल फाइव ऑफ सोर्स एट ऑफ वैंड आप लोगों के सामने हमने मैसेज लिया है स्ट्रेंथ हाई किंग ऑफ देंटेज अच्छा ओके यूनिवर्स यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है आप लोगों के आपके पर्सन के डेथ में से लेंगे किंग ऑफ पेंटिकल टेन ऑफ सोर्स हाई प्रेस्टेज क्यों है नाइन ऑफ सोर्स फोर ऑफ पेंटिकल क्यों है किसके बारे में सोच थ्री ऑफ पेंटिकल थर्ड पार्टी का कार्ड आता क्यों है आप लोगों के पर्सन टेम्परेंस क्यों है यूनिवर्स क्वीन ऑफ वैंड सेवन ऑफ पेंटिकल फाइव ऑफ सोर्स क्यों है एस ऑफ सोर्स दिमाग काम नहीं कर रहा है इस इंसान का बिल्कुल भी यहीं पे रख देते हैं और ये कार्ड ऊपर रख लेते हैं अब आप लोगों के पर्सन के जो है मैंने क्लैरिफाई कर लिए कार्ड जो उनके एनर्जी में अभी तक आए थे ओके अब मैंने ये कार्ड कर दिए हैं साइड पे अब है आपकी बारी पहला कार्ड द लवर्स पेज ऑफ पेंटिकल फोर ऑफ पेंटिकल दोनों किसी में एनर्जी फोर ऑफ पेंटिकल के नीचे फोर ऑफ पेंटिकल क्वीन ऑफ कप आ गई आप आपके कार्ड खोले आप ना आए ऐसा हो नहीं सकता ना नाइव सेवन ऑफ सोर्ड्स धोखा सिक्स ऑफ छोड़ के चले जाना नाइट ऑफ पेंटिकल हर्मिट स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ का कार्ड आपके पर्सन में रीडिंग में भी आया आपकी रीडिंग में भी आया okay. एंड फोर ऑफ व्या मांगा था सिर्फ शादी क्या मांगा था सिर्फ प्यार क्या मिला धोखा छोड़ के चला गया सामने वाला पर्सन फाइफ ऑफ सोट्स अब आपके कार्ड क्लैरिफाई होंगे फाइव ऑफ सोर्ट्स क्यों हैं द वर्ल्ड पूरी दुनिया ही मान लिया था सेवन ऑफ सोर्ट्स क्यों है द हाई प्रस्टिज हाई प्रस्टिज यहाँ भी आई हाई प्रेस्टेज आप लोगों के एनर्जी में भी आई यहाँ पे रख लेती हूँ कार्ड कि आप लोगों को ना पूरा फोकस हो सके ओके द हरमिट आप लोग हर में फोर ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई कर लेते हैं द हैंड मैन सन भी आपके लिए आना चाहता था तो द सन भी ले लेते हैं ओके okay, और बॉटम में आपके लिए आया है नाइट ऑफ हैंट मैंने क्लरिफाई कर लिया कार्ड्स को थ्री ऑफ पेंटिकल आप लोगों की एनर्जी में भी थ्री ऑफ पेंटिकल आया और इनकी एनर्जी में भी थ्री ऑफ पेंटिकल आया आप लोगों की एनर्जी में सबसे लास्ट में थ्री ऑफ पेंटिकल आने ने ये बता दिया बहुत प्यार किया सामने वाले को पर जब उसने कदर नहीं जानी तो हमें दूसरे रास्ते पे जाना पड़ा कार्ड आज बहुत सारे हैं ओके तो शुरू करते हैं रीडिंग हम सबसे पहले आया था हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल आपके पर्सन बहुत इगोस्टिक हैं पैसे से इस इंसान को बहुत ज्यादा प्यार है आप लोगों की जिंदगी में जब ये इंसान आया आप लोग कहीं ना कहीं बहुत परेशान थे बहुत परेशान थे जो मुझे दिख रहा है हो सकता है इस आप लोग शादीशुदा भी हो कुछ लोग जब ये आप लोगों की जिंदगी में आए अगर ये शुरू की लाइंस आपसे मैच हो रही हैं इट मींस ये आपकी रीडिंग है ओके okay? और कुछ लोगों में ऐसा हुआ कि आप बिल्कुल सिंगल हो आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो आप बहुत ज्यादा भगवान को मानते हो बट ये इंसान जब आया तो इसने शुरू में बहुत स्पिरिचुअलिटी की बातें की इसने जान लिया कि आपकी नब्ज पकड़ ली कि इस इंसान को कैसे मैं अपने वश में कर सकता हूं तो इसने बहुत स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छा पर्सन आपको बन के दिखाया लेकिन कहीं ना कहीं थ्री ऑफ पेंटिकल में इनका एक कार्ड क्लैरिफाई करूंगी थ्री ऑफ पेंटिकल क्यों है टेन ऑफ कप ओके और नाइन ऑफ सोर्स क्यों है जस्टिस। ओके। इनके लिए मुझे करना पड़ा डिटेल में जाने के लिए मुझे कार्ड क्लैरिफाई करने पड़ते हैं फोर ऑफ पेंटिकल इसी इंसान ने बहुत प्यार दिखाया आपको यह बताया कि नहीं मैं आपके साथ हमेशा चलूंगा मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा बट ये इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आई और ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आया था जब ये आप लोगों की ज़िंदगी में आया इसको कुछ नहीं था कि मुझे सीरियस रिलेशनशिप चाहिए बस इसको ये था कि ये सुंदर है लड़की है या लड़का है पैसे वाला है थोड़ा अच्छा है मुझे इसकी इसको पाना है किसी भी तरीके किसी भी तरीक़े इसको अपनी लाइफ में अपनाना है तो इसने देखा कि आप स्पिरिचुअल हो तो इसने स्पिरिचुअलिटी का एक बहाना किया आप लोगों के सामने तब ये इस लाइन मानता नहीं था सिर्फ़ एक बहाना करके ये आपकी ज़िंदगी में एंटर करना चाहता था और इसने एंटर किया जबकि ये बहुत मनी माइंडेड इंसान है कि पैसे से प्यार करने वाला इंसान है नब्बे परसेंट दस परसेंट ये इंसान दिल को यूज़ करता है नब्बे परसेंट ये इंसान दिमाग को यूज़ करता है सामने वालों को अपनी ग्रिप में लेने के लिए चाहे लड़की है चाहे लड़का है ये नब्ज पकड़ती है इंसान की कि इंसान को किस चीज़ से पटाया जा सकता है किस चीज़ से अपने बश में किया जा सकता है ये वो करती है ठीक है टेम्परेंस का कार्ड है ये इंसान आज आज कल की डेट में जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ना ये इंसान भी परेशान है हो सकता है ये पैसे को लेके बड़ा परेशान है हो सकता है इसकी जॉब चली गई है हो सकता है कि इसने बहुत सारे लोगों के पैसे लेके खा लिए जो अब इसको परेशान कर रहे हैं कि हमारे पैसे, पैसे वापस दे हमारे पैसे वापस दे और कहीं ना कहीं ये इंसान आज ये स्टेट में है कि इसको समझ नहीं आता कि मेरे दिमाग की नशें ना फट जाएँ बहुत परेशान है 24 फोर आवर्स ये इंसान आजकल आपके बारे में सोच रहा है क्योंकि एक शो में से एक ऐसी भी लड़की थी एक ऐसा भी लड़का था जिसने सच्चे दिल से प्यार किया था टेन ऑफ सोर्स आज की डेट में ये इंसान बिल्कुल अकेला है दस स्ट्रेंथ आपके पास हिम्मत चाहिए इसे इंसान को आने के लिए क्योंकि इसने आपने इसको बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा है पहले तो ये मैन्यूपलेट करता रहता था आपसे बच जाता था बट अब अब जब भी आपने इसे पकड़ा है इसे रंगे हाथों पकड़ा है लड़की थी तो लड़के के साथ पकड़ा लड़का था तो लड़की के साथ पकड़ा है आपने आंखों से देख के इस बार बात की है आज तक आपको कोई लोग कहते थे आप विश्वास नहीं करते थे बट इस बार बात आमने सामने की हुई है जस्टिस ये इंसान आजकल जो इंसान हमेशा दूसरों का बुरा सोचता था खुद के लिए जस्टिस मांग रहा है नाइन ऑफ सोर्स हाई प्रेस्टिज के ऊपर क्लैरिफाई किया तो उसको क्लैरिफाई किया तो जस्टिस आ गया जो इंसान हमेशा दूसरों के साथ बुरा करता आया दूसरों के माइंड गेम खेलता रहा आज वो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा और वो यूनिवर्स से इंसाफ मांग रहा है देखा तो कहते हैं ना कि आ, सो सुनार की और एक लोहार की ये एक ना वो है कहावत है तो वो हो गया इसके साथ किंग ऑफ़ वैंड का कार्ड आया जो ये दिखाता है कि ये इंसान बहुत अट्रैक्ट है इस समय आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट हुआ पड़ा है आपको लेके और आपसे मिलना चाहता है ये हर संभव जो कि आपके साथ जो खुशियाँ मिली ना वो इसे थर्ड पार्टी के साथ नहीं मिली इसीलिए जो बिताए हुए लम्हे हैं वो आपके साथ इसको याद आ रहे हैं क्वीन ऑफ वैंड ये हो सकता है ये इंसान सोशल मीडिया पे भी काम करता है और इसे बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं ये भी हो सकता है और कहीं ना कहीं आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले हो, हो सकता है ये इंसान इंटरनेट का काम करता हो आपके घर में इसका आना जाना हो तभी आप लोगों की मुलाकात भी हुई हो कुछ ऐसे भी हो सकता है तभी आप लोगों ने बहुत जल्दी क्विक डिसीज़न लिया एकदम से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंट्रस्ट कर गया क्योंकि ये आपके घर के बारे में जानता था आप किस बात से दुखी हो इस इंसान को पता था ये पहले से जानता था आप किस बात से दुखी हो तो इसने आपकी दुखती नब्स पे हाथ रखा और आप इसकी बातों में आ गए आज के डेट में खैर फिलहाल जो भी था पहले था आज के डेट में ये इंसान रुका हुआ रिश्ता आपके साथ चलाना चाहता है जस्टिस की मांग कर रहा है अपनी गलतियों पे ये इंसान शर्मिंदा है खुद अंधेरे में बैठ के रोता है और इसका दिल रोता है आजकल ये आंखों से रोए ना रोए आपको कुछ भी दिखाए पर एक कॉपी पे लिख लेना जब भी ये इंसान अकेला होता है ये रोता है और आपके साथ बिताए हुए लम्हे इसे सोने नहीं देते बहुत याद आती है इसे अब आपकी रीडिंग दूसरी बात अब आपका मैसेज होगा कॉल मैसेज आएगा या नहीं आएगा डेफिनेटली आएगा क्योंकि एट ऑफ माइंड आया जो इंसान सो नहीं पा रहा वो इंसान आपको कॉल मैसेज करना चाहता है थर्ड पार्टी डेफिनेटली यही लेके आया अपनी लाइफ में आपके साथ रहते हुए आपसे मिलने से पहले भी इसकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी थी कुछ लोगों को तो रिलेशनशिप में छः साल बाद पाँच साल बाद जाके पता चला ये तो पहले से ही शादीशुदा था लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कोई बात नहीं तुम मैरिड भी हो तो कोई बात नहीं हम दोनों दोस्त बन के रहेंगे मुझे तुमसे प्यार है मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती लड़का है तो ये भी चाहता है कि नहीं मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा तुम मेरे साथ रहो ये बात है ठीक है अभी आ जाते हैं द लवर पे आपका प्यार सच्चा था आपने सच्चे दिल से इस इंसान को प्यार किया सोशल मीडिया की सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले हो फोर ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं आप बहुत अकेलेपन में थे जब ये आपकी ज़िंदगी में एंट्रेस किया हो सकता है कुछ लोग डिवोसी थे कुछ लोगों के पर्सन दुनिया से जा चुके थे आप बिल्कुल अकेले थे जब इस इंसान से आप मिले हो चाहे लड़की थी चाहे लड़का था चाहे आप सिंगल हो चाहे मैरिड हो चाहे कैसी भी सिचुएशन में जिस समय आप इस इंसान से मिले हो आप बहुत ज़्यादा परेशान थे हो सकता है उन दिनों में आपके घर में किसी की डेथ भी हुई थी मुझे जो लग रहा है जो मेरी इंट्यूशन बोल रही है वो मैं आपको बता रही हूँ आप प्यार के लिए उन दिनों में तरस रहे थे आप रोते बहुत थे और आपको चुप कराने वाला कोई नहीं था आपको ऐसा लगता था दुनिया में कोई नहीं है उस समय ये इंसान आपकी जिंदगी में एंट्री करी है इस इंसान ने अगर तक अभी तक आपके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है तो इसका मतलब ये रीडिंग आपकी है आपके साथ एकदम से इस इंसान ने धोखा किया आपने सोचा भी नहीं था कभी इस इंसान ने इतना बड़ा धोखा किया क्योंकि आपको पता चला ये इंसान पहले से शादीशुदा है कुछ लोगों में अस्सी परसेंट लोगों को पता चला है कि ये इंसान मैरिड है जो बीस परसेंट है वो अनमैरिड है लेकिन आपको ये पता चला कि आपके साथ साथ ये किसी और को भी डेट कर रहा था और जब आपने ये गलत इसको पकड़ा है तब इसने माना है यस वो मेरी जिंदगी में तुमसे पहले थी मैं उसको भी नहीं छोड़ सकता और मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता कुछ लोग तो कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जी रहे हैं इस समय भी बट आप कभी कभी इससे दूर जाने की कोशिश करते हो नाइट ऑफ पेंटिकल आजकल आप बिल्कुल कट ऑफ हो इस इंसान के आपको नहीं पता और कहीं ना कहीं आपकी स्परिचुअल अवेकनिंग भी हुई है जब ये इंसान से आपने धोखा खाया तब आपने ईश्वर का रास्ता पकड़ा है तब आपको ईश्वर नाम का भी पता चला है कि ईश्वर का नाम भी जपना चाहिए और आप में भी थ्री थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड का लास्ट में आया जब आपने इतना सब कुछ झेल लिया जब इतनी वेट कर ली आजकल कुछ लोग न्यू लव उनकी लाइफ में आ चुका है आप ये रीडिंग जरूर देखते हो मेरी लेकिन आपकी आज भी आपकी डेट में आपके दिल में कहीं ना कहीं उस पुराने प्यार की याद है चाहे आपका जो अब इस समय वाला पर्सन है अभी जो आपकी ज़िंदगी में न्यू लव आया है वो बहुत अच्छा केयरिंग है आपको प्यार करता है बट आपको कहीं ना कहीं उसकी याद आती है क्योंकि आपने उससे दिल से प्यार किया था आप नहीं भूल पा रहे दस अन का कार्ड आया है जिंदगी में आप लोगों की खुशियाँ आ गई हैं अगले इक्कीस महीने के अंदर अंदर बहुत सारे लोगों की शादी हो जाएगी और कुछ लोगों की तो बिल्कुल न्यू लव होगा न्यू पर्सन आपके साथ जो इस समय आपकी लाइफ में है उससे शादी होगी कुछ लोगों के पर्सन जो बिल्कुल कवा हैं वो थर्ड पार्टी में से निकलेंगे और आपको आके जस्टिस देंगे क्योंकि जस्टिस इस बार आपके पास नहीं जस्टिस इस बार आपके पर्सन की रीडिंग में आया कि यस वो आपको जस्टिस देंगे जब मैंने ये बोला फोर वन फोर वन हो रहा था उसके बाद आया था हैंग कहीं कही ना कहीं आपका दिमाग काम नहीं कर रहा आज आप भी परेशान हो हिम्मत करके आप इस रिश्ते में से निकले हो कुछ लोग तो निकल गए हैं कुछ लोगों की शादी भी कहीं फिक्स हो गई है और जो लोग इनका वेट कर रहे हैं ये इंसान स्ट्रेंथ गैदर करके आपके पास आना चाहता है स्ट्रेंथ का कार्ड हमारे पास यहाँ भी आया हाई प्रिस्टिज दोनों तरफ आई कुछ लोगों की फैमिलियों को ये रिश्ता सिरे से ना मंजूर था सिरे से ना मंजूर था थर्ड पार्टी कुछ लोगों की जिंदगियों में फैमिली आई है जिन लोगों ने आपको दूर किया है और हो सकता है खुद अपनी एक माँ ने अपने बच्चे पे ही जादू टोना कर दिया हो कि नहीं तुमने भूल जाना है उसे तुमने उसे नहीं याद करना है या सामने वाले के बच्चे के ऊपर कर दिया कि उसका ही दिल हट जाए और मेरे बच्चे को वो छोड़ दे बस मेरे बच्चे से पीछे हट जाए मेरे को नहीं चाहिए वो मतलब इस तरीके नाराजगी हुई है इस रिश्ते में आज बहुत स्पेसिफिक मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ फॉर ऑफ एंड आप लोगों की शादी कहीं ना कहीं फिक्स हो गई जो मेरे व्यूअर्स हैं आपने अपने पेरेंट्स को बोल दिया यस मुझे शादी करनी है आप लोग ढूंढो मैं शादी करूंगी और कुछ लोग द वर्ल्ड आप लोगों की डेस्टनी में ये लिखा हुआ था आप लोगों ने मिलना था और आप लोग आगे भी मिलोगे बट कुछ लोग ऐसा है कि अब शादी करके आप लोग फॉरेन कंट्री जाने वाले हो और कुछ लोग ऑलरेडी जा चुके हो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका आपके पर्सन के साथ जब तक आपके साथ था बहुत अच्छा था बाहर जाते ही तीन महीने तीन हफ्ते के अंदर अंदर आप ब्लॉक हुए हो कुछ लोग तो तीन दिन के अंदर ब्लॉक हो गए वो गया और उसने पलट के आपको कॉल मैसेज नहीं किया हाई प्रेस्टेज आपकी तरफ भी आया हुआ है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी आपके भी कुछ ऐसे लोग थे जो इस रिश्ते से ना खुश थे दोनों तरफ हाई प्रेस्टेज आने का मतलब यही है और हाई प्रेस्टेज का एक मतलब और होता है कि जो इंसान गलत रास्ते पे चल रहा है उसकी इंट्यूशन उसको जगाती है उसकी अंतरात्मा उसे कहती है नहीं अब तूने बहुत गलतियां कर ली अब इससे ज़्यादा तेरी बर्दाश्त नहीं होगी माफ़ नहीं की जाएंगी अब तू जाग जा अब तू सही रस्ते पे चल और ये इंसान ने ऐसा किया है जस्टिस इसकी तरफ इसीलिए आया आया क्योंकि आज इसने पुकार की है यूनिवर्स से कि मुझे सही रस्ते पे चलना है ये इंसान आपके साथ आएगा और सीधा लव कम अरेंज मैरिज होगी आप लोगों के घर वालों को मनाएगा ये इंसान अपने घर वालों को भी मनाएगा और अगर आप लड़की हो तो आप भी अब अपने घर वालों से बात करोगी क्योंकि आपने आपने सोच लिया कि मुझे थर्ड पार्टी रिमूव करनी है मुझे अब चाहे मेरी फैमिली ही क्यों नहीं थर्ड पार्टी है मुझे ये रिमूव करना है मुझे हिम्मत जुटानी है मुझे मेरा पर्सन चाहिए किसी भी हालत में अब ले रही हूं मैं लव मैसेजेस सबसे पहले न्यू लव मैंने यही बोला अ न्यू पर्सन है हैज योर रोमांटिक लाइफ फीलिंग्स आ चुका है कुछ लोगों की जिंदगी में न्यू पर्सन तभी थ्री ऑफ पेंटिकल आपकी तरफ आए गेटिंग टू नाउ ईच अदर एज यू रिवील योअर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर यूर बॉन्ड डिपेंड्स और कहीं ना कहीं आप लोग दोनों एक दूसरे को समझ भी रहे हो जिससे आप दोनों का जरा बॉन्ड और अच्छा बनेगा फ्लट देखा ये इंसान जब आया था तो फ्लट नेचर का ही था एक्सटेंड यूर लाइट है बट यूनिवर्स कह रहा है ज्यादा सीरियस बन के भी नहीं जिया जा सकता कि कोई हंस रहा है तो तुमने हंसना ही नहीं है क्यों कहीं वो हमें फंसा तो नहीं रहा कहीं वो हमारी हंसी का गलत मतलब तो नहीं काल लेगा नो no! इतना भी डर के नहीं जीना फिर तो मर जाएंगे अगर हंसने वाली बात पे हंसे नहीं तो फिर तो मर जाएंगे हंसो खेलो फ्लाटिशियस नेचर को रखना है जिंदा बच्चा बन के रहना है इतना सीरियस नहीं बनना बंद कमरों में अंधेरे में नहीं जीना चौबीस घंटे फ़ोन को स्क्रॉल नहीं करना काम करना है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर और वो टाइम आने वाला है कि आप लोग आमने सामने अब दिल की बात करोगे एक दूसरे से आप लोगों के सामने मैंने कर लिया पास्ट लाइफ रिलेशनशिप यू हैव नॉन ईच अदर टू बिफोर आप लोग पहले से ही पिछले जन्मों से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हो एक्सप्रेस योर लव गो हट एंड मेक द रोमेंटिक गेस्ट चलो यूनिवर्स ने ये बोला है अगर आपकी ज़िंदगी में अभी कोई और आया है जो अपना प्यार शो कर रहा है और आप भी अगर उससे प्यार करते हो तो शो करो टाइम पास मत करो सीधा बोलो उनसे बात करो खुल के क्या आप मुझे पसंद करते हो क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हो पूछो उनसे अगर वो बोलते हैं यस तो बोलो ठीक है अपने पेरेंट्स की बात मेरे पेरेंट्स से करवाइए लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली कुछ लोगों में जो मैरिड हैं उनमें आप ज़्यादा खींचतान मत करो रिश्ते में कुछ दिनों बाद सब कुछ खुद ब खुद ठीक होने वाला है क्योंकि ये इंसान आपके बिना रह रहनी वेरी सून क्लियरली डिसाइड वट यू वॉन्ट सो दैट इट्स कम टू यू नाउ यूनिवर्स कह रहा है क्लियर डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए वही आपको दिया जाएगा लव योर सेल्फ फर्स्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव बस यूनिवर्स कह है सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करो अपनी रिस्पेक्ट अपनी कदर खुद करो तब दूसरे लोग तुम्हारी कदर करेंगे नहीं तो कोई तुम्हारी कदर नहीं करेगा लास्ट सेपरेशन टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरीजोन और ये तो हमें पहले से ही पता था कि अभी आप लोग सेपरेशन में हो एक कार्ड ले लेते हैं हम लास्ट सेपरेशन को क्लैरिफाई करने के लिए एक कार्ड लास्ट कार्ड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम योर अदर्स बट अब इस रिश्ते को सुधारने के लिए मैंने क्लैरिफाई किया सेपरेशन को तो उसमें यह है कि अगर आप मैरिड हो तो आप लोग अपने दोस्तों की मदद लो ताकि आप लोग एक दूसरे की जरिए अपना मैसेज पहुंचा सको एक दूसरे को आप लोगों ने तो एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है बट कोई ऐसे दोस्त होंगे जो उनके भी दोस्त होंगे जो आपके भी दोस्त होंगे जो आपको मिलाने में मदद करेंगे ओके तो अभी मैं लेने वाली हूँ अब आप लोगों के लिए मेरा दिल कर रहा है मैं एक लास्ट कार्ड इसमें से लू तो मुझे एक लेना है कार्ड एक कार्ड ले रही हूं मैं लास्ट बस चिल्ड्रन योर लव लाइफ इज बींग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन और मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि कोई चीज है जिसकी वजह से रिश्ता टूटा है या कुछ अलग हुआ है हो सकता है कि आप आपके बच्चे हैं आप कुछ लोगों के लिए ये मैसेज था बहुत जरूरी जो मैंने लिया पता नहीं मेरी इंट्यूशन ने कहा तो मैंने ले लिए ये दो कार्ड एक तो मुझे क्लैरिफाई करने के लिए लेना पड़ा चिल्ड्रन कुछ लोगों में ऐसा है कि आपके बच्चे हैं जो उनके घर वालों को मंजूर नहीं इसलिए वो आप लोगों की शादी नहीं होने दे रहे तब भी हाई प्रिस्टिज दोनों तरफ आया था यही मुझे देखना था क्यों आया था अभी टेक टाइम टू ब्रीथ आउट गहरी सांस लो खुश रहना शुरू करो हैप्पी रहना शुरू करो तभी सब अच्छा हो जाएगा जिंदगी में सरेंडर टू द डिवाइन डिवाइन को सरेंडर कर दो बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रेक्टैलिटी ये तो मुझे देख ही गया कि आजकल आप लोग स्पिरिचुअल हो रहे हो अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन हो माई गॉड बिग यस बिग यस बिग यस मैं बार बार शुरू से बोल रही थी कि आप लोगों की जिंदगी में कोई तरीकों की थ्रियो पेंटिकल आपकी तरफ आया ना तभी मुझे डाउट हो गया कि आप लोगों आप लोगों की जिंदगी में न्यू लव आ चुका है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो बंद कमरे में नहीं रहना काम करना शुरू करो डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे बट घमंडी भी नहीं बनना सबसे मिलजुल के रहना है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस आपका कॉन्फिडेंस ही है सबसे बड़ी नियामत है भगवान की आपको दी हुई लेट लक इज़ ऑन योर साइड आप अब आप आपकी किस्मत जागने वाली है यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ आप और आपको प्यार करने वाले जितने भी लोग हैं सब मेडिटेशन मेडिटेट एंड कंटम्पलेट एंड बैलेंस स्परिचुअलिटी एंड प्रैक्टैलिटी दोनों तरफ आया था कि मेडिटेशन भी करनी ज़रूरी है और काम धंधा भी करना ज़रूरी है दोनों चीज़ें जरूरी हैं जिंदगी में भगवान को भी पीछे नहीं छोड़ सकते आप अभी मैं ले रही हूँ मैसेज आज की रीडिंग बहुत लोंग हो गई आज आप बताना कि क्या आपको इतनी लोंग रीडिंग पसंद आती है मैसेज देखो कभी कभी ना वो इंसान भी सुधरते हैं जो बहुत बुरे होते हैं है नी माइंड तुम सिर्फ मेरे हो कम बैक पिंक चिक्स संडे फेबररी का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के पिंक चिक्स हो सकते हैं वाइट शर्ट आपने अपने पर्सन को गिफ्ट में दी है या उन्होंने आपको वाइट चॉइसेस इस इंसान के पास बहुत सारी चॉइसेस थी ग्रेटिट्यूड आपने यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना है ब्लैक कलर का आपके पर्सन ने आपको कुछ दिया होगा सैटरडे का दिन इंपॉर्टेंट है थर्सडे का दिन इम्पोर्टेंट है एक्स और नेक्स्ट अब आप इस सिचुएशन में हो आई स्टिल लव यू लेट uh, को इंग्स किसी को इर रिंग्स मिले होंगे मैं शादीशुदा हूँ आज तक तुमसे झूठ बोल रहा था कुछ लोगों को अभी पता चला जब मैंने बोला काफ़ी टाइम बाद तुम क्या मेरे लिए कभी प्रे करती हो कॉम्प्रोमाइज व्हाइट शॉल हो सकता है आपको व्हाइट शॉल पसंद है टू गुड टू बी ट्रू आपसे अच्छा कोई नहीं मिला आई कैन नेवर चेंज इस इंसान ने बोला था ट्वेल्व ट्वेल्व एंजल नंबर मैं तुमसे तुम्हें ऑनलाइन देखता हूँ मिष्टी और ये इंसान तुम्हें ऑनलाइन चेक करता है ये तो मैंने आप लोगों को फाइव ऑफ सोर्ट्स का कार्ड देखते ही बोल दिया था एल्फाबैट अभी फेसबुक पे जो वीडियो जाएगी उसमें मैं पांच लोगों के नाम लूंगी आप लोगों ने वहां भी जाके देखना है कि क्या मैं आपके पर्सन का नाम ले रही हूँ या नहीं फेसबुक पेज को फॉलो कर लो फेसबुक पेज का नाम है मेकअप आर्टिस्ट सिमी के नाम से के C E G X V U जिनको अपने पर्सन के नाम सुनने हैं फेसबुक पेज फॉलो कर लो मेकअप आर्टिस्ट सिमी के नाम से और यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका नाम है सिमी ट्रिपल सिक्स टैरोट इंस्टा पे एक और पेज है इंस्टा पे दो पेज हैं एक का नाम है सिमी नाइन थ्री फाइव सिक्स एक का नाम है सिमी टेरो वन नाइन सेवन टू पाँच जगह मैं वीडियो अपलोड करती हूँ डेली आप लोग पाँच जगह मेरे को वीडियो देख सकते हो मेरी के और जिनको फेसबुक पे नाम सुनना अपने पर्सन का फटाफट फेसबुक पेज फॉलो कर लो मेकअप आर्टिस्ट सिमी के नाम से वहाँ पे मैं नाम लेती हूँ डेली फाइव नेम्स लेती हूँ डिफरेंट डिफरेंट डेली फाइव नाम अलग अलग लेती हूँ मैं एक जैसे नाम नहीं लेती हूँ चलो जी के यू जी ई एक्स वी एंड वाई ओ एल आर एंड आर जे के ई एम एन एल पी टी क्यू जेड और बहुत जल्दी मैंने बहुत सारे अपने नए डेक मंगाए हैं वो उनकी भी रीडिंग मैं करूँगी वो अमेरिका से मैंने मंगवाया हैं कनाडा में थोड़ा दिनों में मिलते हैं मुझे तो वो भी कार्ड आएंगे तो मैं उनकी भी रीडिंग्स करूँगी तो ओके विस बाय टेक केयर अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल को पे मुझे कहीं भी फ़र्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो करो और थैंक यू सो मच जो आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए दिल से थैंक यू आप फेसबुक पेज पे आ जाओ फटाफट मैं आपके पर्सनस के नाम लेने वाली हूँ Okay guys we'll bye take care